जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तब हम कंपनी एनालिसिस की बात करते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें एनालाइज करनी पड़ती हैं, एंड उसमें एक चीज़ होती है बैलेंस शीट, जिससे हमें कंपनी के एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगता है। बट बैलेंस शीट के एनालिसिस से पहले उसके बेसिस के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये दोनों ही कंपनी के एक्चुअल कंपोनेंट्स होते हैं। हम जानेंगे कि ये होते क्या हैं, इनकी किसी भी कंपनी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसे अगर हम बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स बेसिकली हमारी जितनी भी रिसीवेबल होती हैं वो सारी की सारी हमारी एसेट्स कहलाई जाती हैं, और अगर हम बात करें पेबल की तो जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं वो सारी पेबल्स के अंदर आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एसेट्स की कि एसेट्स होता क्या है, तो एसेट्स हम उन सभी चीज़ों को बोलते हैं जिससे फ्यूचर में हम कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो या फिर शॉर्ट टर्म में। इवन एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं, ताकि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा बना रहे। और बैलेंस शीट में भी एसेट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसेट्स को बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जैसे हम बात करें सबसे पहले कैटेगरी की, तो वो हमारी है कन्वर्टेबिलिटी, और अगर हम बात करें सेकेंड कैटेगरी की तो वो हमारा होता है फिजिकल एक्सिस्टेंस के अंदर, और तीसरी हमारी कैटेगरी है पर्पस। और अगर हम बात करें कन्वर्टेबिलिटी की तो इसके अंदर फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, ये दोनों ही इसके अंदर आते हैं। और अगर हम बात करें फिजिकल एक्सिस्टेंस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं। और तीसरे की अगर हम बात करें पर्पस की, तो पर्पस के अंदर आपके ऑपरेटिंग्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स आते हैं। तो चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स की, यानी करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं। किसी भी कंपनी की करंट एसेट्स के फिगर को देखने के बाद हमें ये समझ आता है कि उस कंपनी के अंदर लिक्विडिटी कितनी है। ये एसेट्स बेसिकली वो एसेट्स होते हैं जिसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, यानी एक साल के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कैश के अंदर तो वो हमारी करंट एसेट्स यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट्स कहलाई जाती हैं। और अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कैश हो गया, स्टॉक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हो गए। मोस्टली ये सभी के सभी करंट एसेट्स के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फिक्स एसेट्स की यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स की, तो ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेसिकली इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर लैंड्स हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, पेटेंट्स हो गए, तो इन सभी को हम तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये सारी एसेट्स हमारी फिक्स एसेट्स के अंदर आती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें टेंजिबल एसेट्स की, टेंजिबल एसेट्स हमारे उन कैटेगरीज के अंदर आते हैं जिन्हें हम उन सभी एसेट्स को कंसाइडर कर सकते हैं और जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी लैंड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ऑफिस सप्लाईज हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीनरी हो गई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, ये सभी हमारी वो एसेट्स होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं, वो सभी की सभी हमारी टेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम बात करें इनटेंजिबल एसेट्स की, तो ये वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते मगर अपने आसपास फील जरूर कर सकते हैं, और उन्हें सेल करने से कैश जनरेट भी होता है। जैसे अगर हम बात करें मार्केट गुडविल की, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टीज की, पेटेंट्स वगैरह की, कॉपीराइट्स की, परमिट्स की, ट्रेडमार्क्स की, ब्रांड्स की, ये सभी हमारे इनटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एसेट्स की, तो जिसमें कंपनी को डायरेक्टली रिवेन्यू जनरेट होता है, जिससे कंपनी का डेली ऑपरेटर चलता है, ये हमारे सभी के सभी ऑपरेटिंग एसेट्स कहलाए जाते हैं, जिनके एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं, जैसे आपका कैश हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरी हो गई। अब मैं आपको मशीनरी से एक एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है और वो कंपनी मशीन से किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद उसे सेल करती है, और सेल करने से उसे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो सारी की सारी हमारी ऑपरेटिंग एसेट्स होती है, यानी वो जो मशीनरी हुई वो हमारी ऑपरेटिंग एसेट्स हो गई। उसी तरीके से आपका इक्विपमेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, गुडविल्स हो गई, स्टॉक्स हो गया, ये सभी के सभी हमारे ऑपरेटिंग एसेट्स कहलाए जाते हैं। अगर हम बात करें नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स की, तो बेसिकली ये वो एसेट्स होती हैं जिनका डेली रिवेन्यू जनरेशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें एफडी की, तो मान लीजिए कि कंपनी है जिसने एफडी करा रखी है कंपनी के नाम पर और उससे उसे रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन कंपनी का बेसिकली जो वर्क है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, वो गुड्स को सेल करके अपना रिवेन्यू जनरेट करती है, तो उसका काम फिक्स डिपॉजिट का नहीं है, उसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करके अपने रिवेन्यू जनरेट करना। तो ये जितने भी आपके रेवेन्यूज होते हैं वो सारे के सारे आपके नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के अंतर्गत आते हैं।
और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लायबिलिटीज का, उसको हम क्लियर कर लेते हैं कि आखिर लायबिलिटीज क्या होती है। जो किसी भी कंपनी में एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें उनकी लायबिलिटीज को बीट करना बहुत जरूरी होता है, यानी लायबिलिटीज से हमें पता चलता है कि कंपनी ने बाहर से कितने पैसे लिए हुए हैं। कंपनी की आधी से ज्यादा फाइनेंशियल पोजीशन इसी चीज पर डिपेंड करती है कि वो कितने एफिशिएंटली अपने लायबिलिटीज को मैनेज कर रही है। अब एसेट्स की तरह बहुत सारी कंपनी में भी कई तरह की लायबिलिटीज भी होती हैं। लायबिलिटीज को बेसिकली टू ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनल लायबिलिटीज की, तो इंटरनल लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो कंपनी के अंदरूनी लायबिलिटीज होती हैं, और अगर हम बात करें एक्सटर्नल लायबिलिटीज की, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो कंपनी की बाहरी लायबिलिटीज होती हैं, यानी कि कंपनी को बाहर किस किस को पैसा देना है वो सारी की सारी हमारी एक्सटर्नल आती हैं, और कंपनी को कंपनी के अंदर ही किस किस को पैसा देना है जैसे एम्प्लॉयज वगैरह को, तो वो सारी की सारी हमारी जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो इंटरनल लायबिलिटीज के अंतर्गत आती हैं। यानी अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज बेसिकली वो लायबिलिटीज होती है जिन्हें हमें वन ईयर के अंदर पे करना पड़ता है, बेसिकली वो सभी की सभी हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे बिल्स, यानी अगर किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है और वो आपको पे करना है तो वो मंथली आपको पे करना ही पड़ेगा, वरना आपकी बिजली काटी जा सकती है। और अगर हम बात करें ट्रेड क्रेडिटर्स की, तो ये भी हमें वन ईयर के अंदर पे करना ही पड़ता है। बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया या फिर किसी भी तरीके का आउटस्टैंडिंग बिल हमारे ऊपर है तो वो हमें वन ईयर के अंदर उसे पे करना ही पड़ेगा। ये सारे के सारे हमारे करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें नॉन करंट लायबिलिटीज की, तो बेसिकली ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो कि हमारा लॉन्ग टर्म चलता रहता है, जिन्हें बेसिकली हमें एक साल के बाद भी पे करना है। और जनरली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कंपनी तब लेती है जब कोई एक्सपेंशनेशन होना होता है या कोई फिक्स एसेट्स को परचेज करना होता है जिसमें काफी सारा यूज कैपिटल लगने वाला होता है। तो ये बेसिकली ये सभी की सभी हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कंटाइजेंट लायबिलिटीज की, तो बेसिकली ये वो लायबिलिटीज होती हैं, तो ये बेसिकली वो लायबिलिटीज होती हैं जो फ्यूचर में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें पहले से ही एक प्रपोजल बनाकर रखना होता है। जैसे अगर हम बात करें कंपनी के ऊपर, अगर मान लीजिए कोई लीगल केस चल रहा है जिसे हार जाने के बाद कंपनी को बहुत सारी यूज पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, तो वो पहले से ही पेनल्टी के पैसे को जमा करने में लग जाती है। कल को अगर वो हार जाए तो वो उस पेनल्टी के पैसे को इकट्ठा किए गए पेनल्टी के पैसे से पे कर सके। इससे हमें यह पता चलता है कि ये दोनों ही कंपनी के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। इवन कंपनी एनालिसिस में हमें ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी की टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज कितनी है, जिससे कंपनी की मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज की, तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो एसेट्स होती हैं और जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं वो 3-3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है, और किस कैटेगरी के अंदर कौन सी चीज आती है वो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।